हेलो एवरीवन वेलकम टू साइंस एंड मैथ्स क्लब आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ एट होम सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर फाइव ऑफ साइंस कोल एंड पेट्रोलियम व्हाट इज कोल एंड व्हाट इज पेट्रोलियम कोल मीन्स कोयला एंड पेट्रोलियम मीन्स अब इसमें आप चैप्टर में की स्टडी करेंगे द material दैट आर present इन नेचर एंड आर यूजफुल टू us इन फुलफिलिंग आवर बेसिक नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर soil, कोल पेट्रोलियम मिनरल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नेचुरल resources. so हमारे नेचर में हमारे environment में जो भी material हैं जिनका यूज़ हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल या कंप्लीट करने के लिए करते हैं नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं जैसे एयर का यूज़ आप बहुत से कामों में करते हैं ब्रीथिंग में जब आप सांस लेते हैं और जो टायर ट्यूब होता है उसमें आप एयर का यूज़ करते हैं उसको फिल करने के लिए और एयर का यूज़ क्या करते हैं आप आ, फायर को जनरेट करने के लिए कंडक्ट करने के लिए आप एयर का यूज़ करते हैं सो so, एयर जो है आप एयर के बिना आप जीवित ही नहीं रह सकते हैं यू कॉन्ट लिव विदाउट एयर यू कॉन्ट सर्वाइव सो वाटर वाटर इज़ वेरी प्रीशियस फॉर अस यू नो वाटर का यूज़ आप किस किस एक्टिविटी में करते हैं आप सभी जानते हैं सॉयल मिट्टी मिट्टी में हम फसलें उगाते हैं मिट्टी में uh, जो भी uh, हमारे क्रॉप्स के लिए जो भी यूजफुल माइक्रो uh, 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 जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या बहुत uh, छोटे सूक्ष्म जीवाणु या कीटाणु होते हैं मिट्टी में रहते हैं कोल पेट्रोलियम मिनरल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स दे ऑल आर नेचुरल रिसोर्स सो डिपेंडिंग अपॉन द एबेंडेंस एंड एवलेबिलिटी ऑफ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज दे कैन भी ब्रॉडली क्लासीफाइड इन टू टू ग्रुप्स फर्स्ट इज़ इनएक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड अनदर वन इज़ एक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज सो ये जो रिसोर्स हैं जो भी आपने ऊपर अभी आपने अभी सुने एयर, वाटर सॉयल कोल पेट्रोलियम मिनरल्स सो ये सभी कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं और कितनी मात्रा में कितनी क्वान्टिटी में अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग ये टू पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं कि ये कितनी मात्रा में हमें मिलते हैं कब कब कितना कितनी बार मिल सकते हैं और उनकी कितनी अवेलेबिलिटी है अर्थ के ऊपर सो so, इसलिए ये टू टाइप्स में डिवाइड है एग्जॉस्टिबल और इनएक्स्टिबल तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्क्राइब इनएक्स्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज सो एग्जॉस्टिबल से मीन्स क्या है इनएजॉस्टिबल से मीन्स है जो कभी भी खत्म ना हो जो हमेशा रहे इनएजॉस्टिबल दीज रिसोर्सेज आर प्रजेंट इन अनलिमिटेड क्वान्टिटी इन नेचर एंड आई आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज आर सनलाइट एयर वाटर रेनफॉल क्ले एंड सेंड सो इनएस्टिबल क्या होता है ऐसे रिसोर्स जो नेचर में अनलिमिटेड क्वान्टिटी में होते हैं मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं आप उनका कितना भी यूज़ करें वो कभी ख़त्म नहीं, नहीं होते हैं वो कभी भी रिड्यूज़ नहीं होते हैं सो so, ऐसे uh, रिसोर्स एग्जॉस्ट एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहलाते हैं मतलब वो कभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एग्जॉस्ट नहीं होते हैं खत्म नहीं होते हैं जैसे कि सनलाइट आपने देखा होगा कि आप डे बाई डे सनलाइट का यूज़ करते हैं सोलर पैनल्स में और जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो भी सोल सनलाइट का यूज़ करते हैं फोटो सिंथेस के प्रोसेस में सो सन लाइट एयर वाटर रेनफॉल क्ले एंड सैंड ये कभी भी खत्म ना होने वाले रिसोर्सेज हैं सो देट्स वाई दिज आर ऑल कॉल्ड इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज second is exhaustible natural resources. so these resources are present in limited quantity in nature and are likely to be exhausted over a period of time. so सो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक लिमिटेड क्वान्टिटी में ही नेचर में प्रेजेंट हैं मतलब इनका यूज़ करते रहने से लगातार और अनवॉन्टिड जिसको आप बेवजह use यूज़ करें तो बिना वजह यूज़ करते रहने से और रेगुलरली कंटिन्यूसली यूज़ करते रहने से ये एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे सो दैट्स वाई दीज सोर्सेज आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज सो एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ मिनरल्स कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डू यू नो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज आर ऑफ टू काइंड्स रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल द रिसोर्सेज दैट कैन रिप्लेनिश दैम सेल्व बाई क्विक रिसाइकलिंग एंड रिप्लेसमेंट विद इन अ रिजनेबल टाइम इफ़ मैनेज प्रॉपरली आर कॉल्ड रीनबल रिसोर्सिज सो दीज रिसोर्सिज आर देयर फोर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड हाउ एवर बाई एक्सेसिव एंड एनवाइस यूज दे मे ऑल्सो भी एग्जॉस्टेड एग्जाम्पल्स आर सॉइल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मीन्स ऐसे रिसोर्स जो कुछ समय बाद रिप्लानिश हो जाते हैं कुछ समय बाद वो खुद से बहुत वो बहुत जल्दी क्विकली रिसाइकिल हो जाते हैं या वो रिप्लेसमेंट ले लेते हैं एक प्रॉपर टाइम में एक जल्दी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सो so ऐसे रिसोर्स क्या कहलाते हैं रीन्यूएबल रिसोर्स अगर आप उनको सही से मैनेज प्रॉपरली मैनेज करें आप उनका यूज़ बिल्कुल वाइजली करें अच्छे से यूज़ करें कि आप अनवांटेड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद वो रिसोर्स ज़्यादा टाइम तक चल सकते हैं और वो रिसोर्स जल्दी ही रिसाइकल भी हो जाते हैं रिप्लेस भी हो जाते हैं सो so, ऐसे रिसोर्सेज में आता है जैसे सॉइल है फॉरेस्ट है वाइल्ड लाइफ है अब फॉरेस्ट अगर आप लगातार आप काटे जा रहे हैं फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस हो रही है रेगुलर हो रही है और आप आ, आप जो है कोई नए पौधे नहीं लगा रहे हैं प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं सो आफ्टर सम टाइम आप क्या देखेंगे कि जो फॉरेस्ट है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे वो ख़त्म हो जाएंगे सो so, इसलिए उनका वाइजली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है सेकेंड इज़ द रिसोर्स दैट कैन नॉट रिप्लेनिश दैम सेल्व बाई क्विक रिसाइकलिंग एंड रिप्लेसमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वंस यूज दे आर लॉस्ड फॉर एवर सो ऐसे रिसोर्स जो अपने आप को रिसाइकल नहीं कर पाते हैं या जो रिसोर्स रिसाइकिल ना हो पाएँ या रिप्लेनिश मतलब दोबारा से वो उत्पन्न ना हो पाएं दोबारा से उनका निर्माण ना हो पाए एक बार यूज करने के बाद वो ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए तो ऐसे रिसोर्स होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस मतलब जिसको दोबारा से उत्पन्न ना किया जा सके एग्जाम्पल जैसे कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दैट्स वाई बोला जाता है कि आप जो फ्यूल है उसको आप बहुत ही वाइजली यूज करें अनवॉन्टेड यूज ना करें इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज सच एज कोल पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस द मटीरियल दैट आर बर्न टू produce power और heat energy आर called fuels so fuel fuels क्या होता है अभी मैंने fuels बोला था कि आप फील्स का बहुत अच्छे से use करें जैसे petrol है diesel है so fuel मतलब किसी भी आ, किसी भी machine को या किसी भी चीज़ को चलाने के लिए जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है जो energy required होती है वो energy कहाँ से मिलती है fuel से मिलती है जैसे हमारा जो खाना है वो हमारा fuel है आपका vehicle है car है bike है उसके लिए फ्यूल क्या है डीजल पेट्रोल ये सब क्या है फ्यूल है सो इस चैप्टर में हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस और इनएग्जॉस्टिबल हमने अभी पढ़ा है जैसे कि एयर वाटर सॉइल कोल सॉयल ई सो ऐसे मटेरियल जो बर, uh, जलने के बाद पावर प्रोड्यूस करें या एनर्जी उत्पन्न करें ऐसे मटेरियल फ्यूल कहलाते हैं मतलब ईंधन कहलाते हैं जिनको जलाने से गर्मी या उष्मा या हीट जनरेट होती है द रिमेंस ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रिज अंडर द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स अगो आई कॉल्ड फॉजिल्स सो फॉजिल्स क्या होते हैं देखिए फॉजिल्स होते हैं जो पौधे है या फिर जो एनिमल्स जो जीवधारी मर जाते हैं तो उनके सड़े गले अवशेष जो धरती के अंदर कई सालों तक दबे रहते हैं वो दबने के बाद अंदर धरती के अंदर एक रिएक्शन होती है उनको गर्माहट मिलती है और वो कुछ सालों बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो जो रिमेन्स होते हैं डिकेइंग प्लांट और एनिमल के पार्ट्स होते हैं वो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं फॉजिल्स में तो वो कहलाते हैं फॉजिल्स सो फ्यूल्स लाइक कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑल फोम फ्रॉम दीज डैड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ यर्स अगो सो दीज आर ऑल कॉल्ड फॉजिल फ्यूल्स सो ये जो भी अभी आपने इस चैप्टर में रीड किया है अभी लिसन आपने आ, मैं, मैं बोल रही हूँ सो लिसन टू मी केयरफुली कि जो भी कोयला है पेट्रोलियम है नेचुरल गैस है जो भी हैं, ये सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं ये सभी फॉजिल्स होते हैं सो so, ये सभी धरती के अंदर लाखों सालों तक दबे रहते हैं और क्या दबे रहते हैं डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स सो वो डिके हो जाते हैं धीरे धीरे वो अवशेष जो भी मरे हुए जीव जंतु होते हैं पौधे होते हैं पौधों की पत्तियाँ वो डिगे होते हैं और कुछ सालों बाद मतलब लाक, हजारों लाखों सालों बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं फॉजिल फ्यूल्स में नाउ वी विल एक्सप्लेन अबाउट कोल कोल क्या होता है कोयला क्या है सो कोल इज अ फॉजिल फ्यूल इट इज़ हार्ड एंड ब्लैक इन कलर कोल इज फाउंड इन डीप कोल माइन्स अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ कोल बेड्स सो so कोल क्या है एक फॉजिल फ्यूल है मतलब ये भी धरती में से लाखों हज़ारों लाखों साल बाद ये उत्पन्न होता है सो so ये कैसे कलर का होता है ब्लैक कलर का होता है और ये छूने में हार्ड होता है मतलब सॉलिड मटेरियल होता है और ये बहुत गहरी खदानों में से निकाला जाता है धरती के अंदर से और ये किस फॉर्म में निकलता है जैसे कोल के बैड होते हैं कोयले के बैड होते हैं सो so, उसको तोड़ा जाता है और ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसको आप कोयला आप देखते हैं डेली यूज़ में आप आप देखते हैं कि प्रेस आयरन करते हैं कोयले से या पहले के समय में जो इंजन होते थे स्टीम इंजनस वो कोयले से चलते थे सो इन इंडिया कोल इज़ मेनली फाउंड इन बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश इन in इंडिया में कौन से प्लेसेज हैं जहाँ पर कोयला मिलता है बिहार में झारखंड में वेस्ट बंगाल में उड़ीसा में मध्य प्रदेश में इसकी खदानें हैं कोयले की सो इट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रेजुअल डिके एंड कंप्रेशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ प्लाट्स एंड ट्रीज इन द एबसेंस ऑफ एयर द स्लो कैमिकल प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द डेड वेजिटेशन रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स इंटू कोल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन मतलब कार्बनीकरण सो कोयला जो है वो कैसे बनता है कोयला धीरे धीरे बहुत टाइम में जो डेड पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के या प्लांट्स के वो डके होते हैं और जब उन पर दबाव लगता है एयर की एब्सेंस में मतलब जब कोई चीज़ ज़मीन के अंदर दबी हुई है लाखों सालों से हज़ारों सालों से बहुत गहराई में दबी हुई है तो उसको वहाँ तक एयर तो पहुँच ही नहीं पा रही है ये तो क्लियर है तो एयर की एब्सेंस में जब उसको वहाँ धरती के अंदर गर्माहट मिलती है और कंप्रेशन उसके ऊपर दबाव लगता है तो उसके रिजल्ट में रिजल्टेंट में क्या मिलता है कोयला कोयले का फॉर्मेशन होता है सो तो ऐसा धीरे यानी कि स्लो केमिकल प्रोसेस जिसमें जो डेड वेजिटेशन होती है मतलब जो डेड प्लांट्स के या डेड एनिमल्स के जो रिमेन पार्ट होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में और इतना हाई टेम्परेचर होता है इस प्रोसेस में जमीन के अंदर और इतना प्रेशर होता है जिसके रिजल्ट में जिसके जिस प्रेशर और जिस हाई टेम्परेचर के लगने के बाद वो सभी जो डिकेइंग पार्ट हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं कोयले में सो so, ये प्रोसेस कार्बनाइजेशन कहलाता है सो मेनली कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन बट अलॉन्ग विद इट्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर ऑल्सो प्रेजेंट जो कोयला होता है आपने देखा है काले रंग का होता है और कोयले में बहुत अधिक मात्रा में कार्बन होता है वो कार्बन से ही बना होता है बट कार्बन के साथ साथ कोयले में थोड़ी थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं सो वैन कोल इज हीटेड इन एयर इट बर्न्स एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एन इंडस्ट्रीज कोल इज यूज टू मैन्युफैक्चर कोक कोलतार अमोनिकल लिक्वर एंड कोल गैस बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन सो so, अभी आपने इसमें इसकी जो बुक एक्सरसाइज है वहाँ भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का यूज़ हुआ है सो so, वो क्या होता है इंडस्ट्रीज में जो कोयला है कोयला किसको बनाने के काम आता है कोक कोलतार अमोनिकल जो लिक्वर होती है जो शराब होती है और कोल गैस को बनाने में कोयले का यूज़ होता है और ये किस प्रोसेस से बनाए जाते हैं ये सभी प्रोडक्ट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मतलब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब एक एक करके ये चीज़ें प्राप्त होती हैं मतलब पहली भट्टी से सपोज दैट कोक निकलेगा कोयले का यूज़ करके सब चीज़ें आप ऑप्टेन करते हैं पहली भट्टी से कोक निकलेगा दूसरी भट्टी से कोलटार उसके बाद अमोनिकल लिक्वर इस तरीके से एक प्रोसेस के थ्रू ये सब प्रोडक्ट ऑप्टेन किए जाते हैं और ये जो प्रोसेस होता है वो होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कोयला जब हवा में जलता है या गर्म होता है तो जलने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोल बाय हीटिंग इट इन टू टू आ हाई टेम्परेचर इन द एबसेंस ऑफ एयर सो एयर की एबसेंस में हवा की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करके तोड़ा जाता है मतलब उसको कुछ पा उसको जो उसके जलने के बाद या गर्म करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसके लिए उसको ब्रेक किया जाता है तोड़ा जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पर तो ये प्रोसेस कहलाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब कोल है कोल बहुत हीट किया जा रहा है उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर और एयर की एबसेंस है मतलब उस भट्टी में हवा नहीं जा सकती है सो so आपको क्या मिलेगा सबसे पहले कोक देन कोल तार कोल गैस एंड एमोनिकल लिक्वर सो वॉट इज कोक जो कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त होती है सो so कोक क्या होती है वॉट इज कोक 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 इज़ आ टफ पोरस एंड ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस ये ब्लैक ये जो है कोक देखिए आप देख रहे हैं यहाँ डाइग्राम में कोक है ये ब्लैक कलर का थोड़ा ग्रे ब्लैक सा कलर है इसका और ये छूने में टफ़ होता है और ये किससे प्राप्त होता है कोयले के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है और जो कोक होता है वो ऑलमोस्ट एक प्योर फॉर्म होता है कार्बन की आपने कार्बन का नाम सुना होगा इसमें लगभग 98 परसेंट कार्बन पाया जाता है सो दैट्स वाई प्योर फॉर्म होता है कार्बन की इसका यूज़ क्या है अभी यूज ऑफ कोक सो सोनाओ वॉट इज यूज ऑफ कोक सो यूज ऑफ कोक कोक इज एन एसेंशियल रॉ मटीरियल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज टू हीट फर्नेसेज सेकेंड यूज कोक इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम दियर ओर्स नेक्स्ट इज कोक इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर गैस मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एंड वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सो कोक कोकी क्या यूज़ है आयरन और स्टील जो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ आयरन और स्टील का आ, आ, का फॉर्मेशन होता है तो उसका फॉर्मेशन फारनेसिस के थ्रू होता है मतलब भट्टियों के थ्रू तो उस भट बत, उन भट्टियों को गर्म करने के लिए जो कच्चा माल होता है वहाँ कोक का यूज़ होता है कोक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है मतलब जो रिएक्शन है जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है या कोई दो चीज़ों की रिएक्शन से एक नया रिजल्टेंट बन रहा है कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है सो उस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है मतलब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो उस रिएक्शन की जो रेट है उसको रिड्यूस करता है कम करता है जैसे कि जो ओर्स होते हैं जो रॉक से या चट्टानों से जो कच्ची धातुएं निकलती हैं ओर्स के फॉर्म में उसमें कुछ इंप्योरिटीज़ होती हैं कुछ अशुद्धियाँ होती हैं तो उसमें से प्योर मेटल का को एक्सट्रैक्ट करने में कोक का यूज़ होता है सो कोक इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर गैस कोक का यूज़ जो प्रोड्यूसर गैस होती है मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन और जो वाटर गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन उसका मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है देखिए इस तरीके से ये ये फर्नीस हैं भट्टियाँ हैं तो इनको गर्म करने के लिए आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में कोक का यूज़ होता है और जो मेटल हैं मेटल जब एक्सट्रैक्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन होता है ओर्स में से प्योर मेटल्स का तो उसमें रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में ये यूज़ होती है नेक्स्ट इज कोल्टार कोल्टार क्या होता है सो कोल्टार इज अ ब्लैक विशियस थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल It is obtained by destructive distillation of coal. It is not a single compound, it is a mixture of more than 200 different carbon compounds. So, coal tar can be separated into many important chemical substances such as toluene, benzene, naphthalene, phenol, etc., by the process of fractional distillation. देखिए जो कोलतार होता है वो ब्लैक कलर का बहुत गाढ़ा सा मोटा सा लिक्विड होता है जिसमें से एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है आपने देखा होगा जब रोड बनती है तो रोड में कोलतार का यूज होता है ब्लैक कलर का होता है बहुत चिपचिपा होता है इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है गाढ़ी होती है सो तो ये भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ही प्राप्त होता है जो कि कोयले कोयले से मिलता है और कोयले में डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ये प्राप्त होता है मिलता है आपको सो so, ये एक सिंगल कंपाउंड नहीं है इसमें 200 से भी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स मिले होते हैं सो so, कोलतार जो है कोलतार को उन कंपाउंड्स में से कुछ केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा कुछ प्रोसेस होते हैं उनके द्वारा सेपरेट किया जाता है और वो कौन से सब्सटेंस uh, होते हैं जिसमें मिले होते हैं जैसे टॉलोइन है बेंजीन है नेफ्थलिन ने बॉल्स आपने देखी भी होंगी फिनॉल ये सब जो है फिनॉल बेंजीन टॉलोइन ये सभी जो हैं ये आप जो हायर क्लासेस हैं आप जो ग्रेजुएशन होते हैं या फिर ट्वेल्थ है एलेवंथ है आप उसमें इसकी स्टडी करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखिए पहले था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अभी है फ्रैक्शनल ये ये जो हैं ये अलग अलग फ्रैक्शन में मिलते हैं अलग अलग फ्रैक्शन में ऑप्टेन होते हैं सो दैट्स वाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ये प्राप्त किए जाते हैं फ्रैक्शंस बनाए जाते हैं अलग अलग भट्टियों के रूप में फ्रैक्शन बनाए जाते हैं तो उसमें एक एक फ्रैक्शन में ही अलग अलग मिलते हैं तो दीज केमिकल सब्सटेंसेज आर यूज एज रॉ मटीरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग डाइज एक्सप्लोजिवस पेंट वार्निशेज पेस्टिसाइड्स प्लास्टिक्स सिंथेटिक फाइबर्स फोटोग्राफिक मटीरियल नैफोलिन बॉल्स रूफिंग मटीरियल ई टी सी सो वॉट इज कोल गैस कोल गैस इज ऑल्सो अपटेन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल सो कोल गैस कंसिस्ट ऑफ थ्री कम्बस्टिबल गैसेज नेमली हाइड्रोजन मेथेन एंड कार्बन मोनोऑक्सऑक्साइड कोल गैस हैज अ हाई कैलोरोफिक वैल्यू ड्यू टू द हाई कैलोरफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एंड मेथेन इट बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट दैट इज वाई इट इज एन एक्सेलेंट फ्यूल सो कोल गैस क्या होता है कोल्डैस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोयले के डिस्ट्रेक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त कर, होती है सो कोल गैस में जो है तीन कम्बस्टिबल मतलब जो जलने योग्य गैसेज होती हैं वो तीन होती हैं हाइड्रोजन मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन आप सभी जानते हैं मेथेन सी एच फोर और कार्बन मोनोऑक्साइड सी ओ ये इसमें कोल गैस में होती हैं सो कोल गैस जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है और आ, जो हाइड्रोजन और मेथोइन होता है उसकी भी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है सो दैट्स वाई कोल गैस की भी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है देखिए जिसकी भी जिस भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है वो उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है सो so इट ये जलता है इट बर्नस टू प्रोड्यूस हीट इसलिए इसको एक एक्सीलेंट फ्यूल कहा जाता है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी वो उतनी ही कम गर्मी पैदा करता है कम गर्मी प्रोड्यूस uh, करता है सो नेक्स्ट इज एमोनियम कंपाउंड्स अब अमोनिया जिसमें इंक्लूड होता है ऐसे कंपाउंड्स भी जो है वो मिलते हैं हमें कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से सो ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल अमोनियम कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस विच वैन डिजॉल्व इन वाटर फॉर्म अमोनिकल लिक्वर इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर नाइट्रोजनस कंपाउंड सो जब ये जो कंपाउंड हैं अमोनियम अमोनिया के जो कंपाउंड हैं जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कोयले के मिले हैं इनको जब पानी में डिजॉल्व किया जाता है या जब पानी में ये घुलते हैं तो ये अमोनिकल लिक्वर बनाते हैं और इसका यूज़ जो अमोनियम अमोनियम लिक्वर है ये इसका यूज नाइट्रोजनस कंपाउंड को बनाने में किया जाता है नेक्स्ट इज पेट्रोलियम और पेट्रोलियम क्या होता है आप सभी ने पढ़ा होगा पेट्रोलियम सो पेट्रोलियम इज़ अ डार्क कलर एंड थिक ऑयली लिक्विड इट हैज एन अनप्लीजेंट स्मेल इन ग्रीक लैंग्वेज आप देखिए जो पेट्रोलियम है उसको वो उसका नाम कहाँ से आया है उस वर्ड का तो उसको डिवाइड किया गया है मीन्स पेट्रा प्लस ओलियम सो पेट्रोलियम एक डार्क कलर का एक लिक्विड होता है जो बहुत ज़्यादा थिक होता है कंसिस्टेंसी में और इसकी भी स्मेल इन्फ्लूजेंट होती है जस्ट लाइक कोलतार सो ग्रीक लैंग्वेज में ये जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है तो ग्रीक लैंग्वेज में इसको टू टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पेट्रा प्लस ओलियम सो so, पेट्रा का मीन्स है जो कि एक ग्रीक वर्ड है रॉक्स मतलब चट्टान और ओलियम का मीन्स है ऑयल मतलब जो ऑयल चट्टानों से मिलता है या चट्टानों से निकाला जाने वाला ऑयल चट्टानों से प्राप्त किया जाने वाला ऑयल पेट्रोलियम कहलाता है सो so, अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है पेट्रोलियम का पेट्रोलियम वॉज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड रिमीस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द सी मिलियंस ऑफ यर्स अगो पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन हैविंग वन और मोर देन वन हंड्रेड कार्बन आइटम्स सो जो पेट्रोलियम है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो कैसे बनता है जस्ट लाइक फॉजल फ्यूल्स एंड कोल। पेट्रोलियम जो है समुद्र के अंदर जो डेड प्लांट्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं जब वो मर जाते हैं तो उनके जो बचे हुए अवशेष होते हैं वो समुद्र में दब जाते हैं सो so, उसके डिकम्पोजिशन से लाखों साल के बाद इस डिकम्पोजिशन से पेट्रोलियम बनता है सो so, पेट्रोलियम क्या है एक मिक्सचर है कुछ हाइड्रोकार्बन्स का जिसमें एक या सौ से भी ज़्यादा हंड्रेड कार्बन एटम्स होते हैं ऐसा माना जाता है कि लाखों साल पहले सी आ, समुद्र के अंदर जो एनिमल्स या प्लांट्स रहते थे वो मर गए सो so, उन वो मरी हुई जो बॉडीज़ हैं उन डेड प्लांट्स की एनिमल्स की वो डूब गईं और समुद्र की गहराइयों में चली गई और कुछ आ, कुछ टाइम बाद जो है वो कवर्ड हो गई क्ले से और सैंड से मतलब मिट्टी से और रेत से तो लाखों साल के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पड़ने के बाद और एयर की एब्सेंस में ये जो मरे हुए डेड रिमेन्स थे प्लांट्स और एनिमल्स के वो धीरे धीरे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए सो इट देन पास थ्रू द पोरस रॉक्स एंड गॉड ट्रैप्ड बिटवीन द नॉन पोरस इम परवियस रॉक्स अमोर वोलाटाइल कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम कॉल्ड नेचुरल गैस फॉर्म सा कवर ओवर इट देखें यहाँ ये डायग्राम है जैसे अर्थ क्रस्ट है ये अर्थ का ऊपर का भाग है और ये इम्परवियस रॉक्स हैं जो अर्थ के अंदर हैं देन ये यहाँ पेट्रोलियम है और ये वाटर है सो so, इम्परवियस रॉक्स हैं ये सो so, देखिए कुछ आ, कुछ टाइम बाद ये भी इस तरीके से कन्वर्ट हो गई पेट्रोलियम में सो so, धीरे धीरे ये रॉक्स में रॉक्स के अंदर ट्रैप हो गए मतलब वहाँ पे जाकर फंस गया या ट्रैप हो गया वहाँ पर ही इकट्ठा हो गया